Alright guys, सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर Alight Motion एप्लीकेशन को ओपन कर लेना होगा। गाइज आप जैसे कि Alight Motion एप्लीकेशन को ओपन कर चुके हो, अब गाइज आपको क्या करना होगा, प्लस पे क्लिक करना होगा, 4:5 रेशियो को चूज करना होगा। और यहाँ पर गाइज इस तरह आपको इंटरफेस देखने को मिलता है, देन प्लस पे क्लिक करके आप मीडिया पे क्लिक करना। और यहाँ पर गाइज आप जिस भी इमेज पे वीडियोस बना रहे हो, आप सिंपली अपना वो वाला इमेज को यहाँ पर इंपोर्ट कर लीजिए। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर इमेज को इंपोर्ट कर चुका हूँ, आपको ये सब इमेज सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बाय द वे। और आप पिंटरेस्ट एप्लीकेशन से भी डाउनलोड कर सकते हो। अब 3 डॉट पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया पे क्लिक करना होगा, देन प्लस पे क्लिक करना होगा, ऑडियो पे जाना होगा, व्यू ऑल। और गाइज आप जिस भी ऑडियो पे वीडियोज़ बना रहे हो, आप सिंपली वो ऑडियो का ना यहाँ पर इंपोर्ट कर दो। तो जैसे कि मैंने इंपोर्ट किया, और यहाँ पर मैं लिरिक्स को टेक्स्ट को हटा देता हूँ, क्योंकि आपको लाइन सब बीट सब देखने को मिलेगा। अब यहाँ से ना आप एंड तक आप गाना को एक्सटेंड कर दो, जितना दूर आप वीडियोस बनाना चाहते हो। फिलहाल जैसे कि मैं इतना दूर किया। अब गाइज आप ना इस तरह क्या करना होगा, यहाँ पर गाइज आपको फोटोज़ पे क्लिक करना होगा, इफेक्ट्स का ऑप्शन पे जाना होगा, ऐड इफेक्ट पे जाना होगा, और वीनियट सर्च करना होगा। वीनियट की स्पेलिंग आप देख सकते हो, वीनियट स्टैंडर्ड सेटिंग को चूज कर लीजिएगा। देन वीनियट का ना आप 78 इस तरह रख सकते हो। तो यहाँ पर मैं जैसे कि 78 इस तरह कर लिया, और आप राउंडनेस को 150 रखना, फेदर को 50 जो जैसा है उतना ही रहना देना है, और इधर 20 है, मतलब जस्ट आपको इतना ही करना है। और देख सकते हो कुछ इस तरह देखने को मिलेगा आपको, और देख सकते हो 78 150 0.500 0.800 20% यानी कि 20%, तो इतना रख सकते हो आप। अब यहाँ पर ना आपको इफेक्ट्स का ऑप्शन पर जाना होगा, ऐड इफेक्ट पर जाना होगा, और यहाँ पर RGB सर्च करना होगा, RGB। तो यहाँ पर मैंने RGB का आपका चैनल रेम अप इसे चूज़ करना होगा। और यहाँ पर गाइस आपको ये सब देख रहे हो, सबसे एंड पे जो है A, इसे आप B कर सकते हो, G कर सकते हो, R कर सकते हो, इस तरह। तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। बाय द वे यहाँ पर मैं इतना ही करता हूँ इसे, और यहाँ पर ऐड इफेक्ट पे उसके बाद आपको चले जाना होगा। तो यहाँ पर उसके बाद आपको सर्च करना होगा ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट, इसका स्टैंडर्ड सेटिंग को चूज़ कर लीजिएगा। ब्राइटनेस को सेम रखना है, और कॉन्ट्रास्ट को 10% कर देना है या इससे अबव। और गाइज आपको फोटो अगर थोड़ा डार्क ट्विस्ट टाइप का है, तो आप वीनियट को यूज़ मत करो। और यहाँ पर ना मैं जी को यूज़ कर रहा हूँ, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, जो भी आपको पसंद होगा आप यूज़ कर सकते हो। अब गाइज आपको क्या करना होगा, गाना का ना लिरिक्स सबको आपको मार्क करना होगा, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बैक कर लेना होगा, और गाइस आपको ये वाला प्रोजेक्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, यानी कि आप प्रीसेट के थ्रू भी इंपोर्ट कर सकते हो, एंड XML फाइल का भी लिंक मिल जाएगा। आप इजीली अपने Alight Motion पर इन दोनों के थ्रू इंपोर्ट कर सकते हो ये वाला प्रोजेक्ट। तो मैं जैसे कि ओपन करता हूँ, इसके अंदर जब भी आप ओपन करोगे ना, आपको कुछ फॉन्ट्स रिक्वायर्ड होगा, जो फॉन्ट्स आपका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, जिसका नेम है एम्स्टरडैम, और एक का नेम आप देख सकते हैं बेबासन्यू, ऐसा ही कुछ फॉन्ट है। और यहाँ पर गाइस उसके बाद एक iOS फॉन्ट और एक नहीदा फॉन्ट है, उसका भी लिंक मिल जाएगा। तो ये आपको ग्रुप के अंदर देखने को मिलता है, एक iOS फॉन्ट और एक आप देख सकते हो मून राइजिंग, और एक है नहीदा फॉन्ट, जो कि बांग्लादेशी फॉन्ट है। एनीवे आपको यहाँ पर क्या करना होगा, ये जो आप लिरिक्स सब देख रहे हो, ये तीनों लेयर को आपको इस तरह सिलेक्ट करना होगा, चारों लेयर को सॉरी, देन ये वाला आइकन पर क्लिक करके कॉपी 4 लेयर्स। अब बैक करना होगा, और गाइज अपना प्रोजेक्ट को आप ओपन कर लीजिए, और गाना को सुन लेना होगा। तो गाइज 4 लाइन आ चुका है, तो यहाँ पर एक मार्क करता हूँ मैं। तीन लाइन आ चुका है, फिर भी आप मार्क कर सकते हो, आई होप आप समझ रहे हो, 4 वर्ड 4 लाइन 3 लाइन। अब यहाँ पर 4 लाइन, तो यहाँ पर मैं मार्क करता हूँ, तो इस तरह आप मार्क कर चुके हो। ऑलराइट, अब यहाँ पर ये वाला आइकन पे क्लिक करके पेस्ट लेयर करना होगा। और गाइज आपको क्या करना होगा, ये चारों लेयर को ना इस तरह होल्ड करके, सॉरी इस तरह आप एक्सटेंड कर सकते हो बाय द वे, बट ये एक्सटेंड सही नहीं होगा। तो यहाँ पर ना आप ना वो लेयर सबको इस तरह सिलेक्ट करना, और टाइम का ऑप्शन पर जाके एक्सटेंड कर देना, देन नेक्स्ट लेयर को भी सिलेक्ट करना, टाइम का ऑप्शन पर जाके नेक्स्ट जो एक्सटेंड कर देना। तो इस तरह टाइम का जो आप मार्क किए हो, उस लेयर सबको सिलेक्ट करना होगा, टाइम का ऑप्शन पर जाना होगा, और ये वाला आइकन पे क्लिक करना होगा। अब आपको लिरिक्स को सुनना होगा, आंखों में आंखें तेरी। तो यहाँ पर जो पहला लाइन है आपका, सॉरी टेक्स्ट 2, इस पर क्लिक करना होगा, आंखों में, इसमें आपको आंखों इस तरह मैं टाइप किया, और यहाँ पर में, और इससे आप कॉपी कर लेना होगा आपको इस तरह। तो यहाँ पर मैं कॉपी कर लेता हूँ, और टेक्स्ट 2 नीचे वाला टेक्स्ट 2 पर भी जाना होगा,
और इसे आपको सेम इस तरह पेस्ट कर देना होगा। तो देख सकते हो थोड़ा ग्लो हो गया। आँखों में आँखें तेरी, अब टेक्स्ट वन पे जाना होगा। अब यहाँ पर टाइप करना होगा आँखें तेरी, है ना, इस तरह। अब कॉपी कर लेना होगा आपको और टेक्स्ट वन, फिर से जो टेक्स्ट वन है उस पर चले जाना होगा और आँखें तेरी पे टाइप पेस्ट कर देना होगा। तो देख सकते हो आँखों में आँखें तेरी इस तरह आ चुका है। अब इस तरह आपको फिर से यहाँ पर पेस्ट करना होगा और सारा लेयर को इस तरह एक्सटेंड करना होगा। टाइम का ऑप्शन पर जा जाकर चारों लेयर को, जो भी लेयर्स हैं आपका यहाँ पर, तो यहाँ पर चारों लेयर को मैं टाइम का ऑप्शन पर जाकर एक्सटेंड कर दिया। अब यहाँ पर आपको फिर से सुन लेना होगा गाना। अब यहाँ पर फिर से आपको यहाँ पर टेक्स्ट टू पे क्लिक करना होगा और यहाँ पर टाइप करना होगा जो भी है आपका लिरिक्स, बाहों में इस तरह, और कॉपी कर लेना होगा आपको इसे। यहाँ पर मैं कॉपी कर लिया। अब टेक्स्ट नीचे वाला सबसे एंड वाला जो है उस लेयर पे इसे पेस्ट करना होगा। अब टेक्स्ट वन पे क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर बाहें तेरी इस तरह मैं टाइप किया। अब इसे आप कॉपी कर लो और टेक्स्ट वन वाला सेकेंड वाला जो टेक्स्ट है वन है उस पर पेस्ट कर दो। तो देख सकते हो इस तरह। आई होप आप समझ पा रहे हो, इस तरह आपको करना होगा। और यहाँ पर उसके बाद फिर से आपको पेस्ट लेयर करना होगा, एक्सटेंड करना होगा, लिरिक्स सबको टाइप करना होगा। तो टाइप करने के बाद गाइज आप अपना ये वाला प्रोजेक्ट ओपन करना, इसके अंदर कॉपी लेयर कर लेना ये ग्रुप को। ये ग्रुप को कॉपी लेयर करने के बाद ये वाला आइकन पे क्लिक करके पेस्ट लेयर करना होगा, वो वहाँ पर सेट हो जाता है। और आपका एंड तक ना उससे आप टाइम का ऑप्शन पे जाके एक्सटेंड कर सकते हो। बाय द वे फिलहाल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर देख सकते हो इस तरह है। तो आपको एडिट ग्रुप पे जाना होगा और यहाँ पर गाइज आप इंस्टाग्राम जो है फिल द लव टाइप किया, आप इंस्टाग्राम का आईडी टाइप कर सकते हो, आप यहाँ पर कुछ भी टाइप कर सकते हो। और यहाँ पर ना इंस्टाग्राम का टाइप किया हूँ, आप यूट्यूब जो वगैरह टाइप कर सकते हो, अपना नेम भी टाइप कर सकते हो। और इमोजी को भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, कोई भी इमोजी यूज़ कर सकते हो, लाइक लिंक वाला हो गया, इस तरह आप यहाँ पर इमोजी भी यूज़ कर सकते हो। तो फिलहाल जैसे कि ये वाला हो चुका है यहाँ पर सेट। अब गाइस जैसे कि आपके लिरिक्स है, तो आपको स्टार्टिंग टाइम पर जाने के बाद आपको ना मैं डिस्क्रिप्शन पे एक वीडियो दे दूंगा, आप वो वाला वीडियो को यहाँ पर इंपोर्ट कर लो इस तरह। देन थ्री डॉट पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया, देन ब्लेंडिंग का ऑप्शन पे जाना होगा, लाइटन पे जाना होगा स्क्रीन। तो आप देख सकते हो एक पार्टिकल आ रहा है इधर से, दिखने में बहुत ही कूल लगता है। आप अगर ये पार्टिकल यूज़ करना चाहते हो तो सिंगल यूज़ कर सकते हो। और अगर आपको और एक वीडियो का लिंक, मतलब मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, आप वो वाला भी इंपोर्ट कर सकते हो। तो ये हर्ट वीडियोज है, आपको ब्लेंडिंग का ऑप्शन पर जाना होगा, लाइटन पर जाना होगा, स्क्रीन कर देना होगा। तो ये हर्ट कुछ इस तरह देखने मिलता है। तो अगर आप चाहते हो सिर्फ आपको हर्ट रखना है तो आप इस तरह हर्ट भी रख सकते हो। हर्ट का कलर आप इफेक्ट्स का ऑप्शन पर जाना होगा, ह्यू यहाँ पर शिफ्ट को स्टैंडर्ड सेटिंग को चूज कर लेना। और यहाँ पर ह्यू को जब भी बढ़ाओगे ना वो सबका कलर भी चेंज होगा, आप जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हो। तो ऐसा सीन है, आपको अपना कलर चेंज करना होगा तो यहाँ से आप कलर चेंज भी कर सकते हो, कोई भी कलर पर आप कर सकते हो यहाँ पर। तो इस तरह है, तो यहाँ पर मैं ना इसे डिलीट कर देता हूँ अभी। आप इससे भी रख सकते हो, बाय द वे आप दोनों को इस तरह रख सकते हो। यहाँ पर जैसे कि मैं दिखाता हूँ, दोनों को इस तरह रख सकते हो और या एक को रख सकते हो ये वाला। तो इस तरह है, आप यहाँ पर इस तरह बना सकते हो। उसके बाद आप शेयर का ऑप्शन पर क्लिक करके आप इसे पूरा फुल HD पे एक्सपोर्ट कर लेना और लिरिक्स सबको एब्सोल्युटली आप टाइप कर लोगे। तो इस तरह बना सकती है ये वाला वीडियो। आई होप आपको ये वाला वीडियो देखकर पसंद आया। डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि आपको इस चैनल पे इसी तरह शानदार एडिटिंग वीडियो सब देखने को मिलते रहते हैं, वो भी प्रोफेशनल। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। और गाइज न्यू वीडियो जल्दी आने वाला है गेमिंग चैनल पे, जो कि मैं स्टार्ट कर चुका हूं अपना गेमिंग चैनल, और पहला GTA 5 वीडियो शूट भी हो चुका है। आप अगर एक्साइटेड हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, डेफिनेटली वॉच करें।